बारह महीनों में जो चार महीने हैं वो भक्ति करने के बहुत श्रेष्ठ महीने होते हैं। उन चार महीनों में भी जो कार्तिक का महीना है वो सबसे श्रेष्ठ होता है भक्ति के लिए। ये जो कार्तिक महीना है इसको दामोदर महीना भी बोलते हैं, यानी कि भगवान दामोदर, जो श्री कृष्ण का एक नाम है दामोदर। दामोदर यानी कि कार्तिक महीने में दीपावली को भगवान श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की यशोदा मैया के साथ, यानी यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को रस्सी से बांधा था, तो उसको दामोदर महीना भी बोला जाता है। और इस महीने में भगवान के सामने दीपक जलाने की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि शास्त्रों में पढ़ेंगे तो बहुत अनंत महिमा है कार्तिक महीने में भगवान के सामने दीपक जलाने का। या तिल का तेल का दीपक हो, अगर और बेहतर हो तो देसी घी का, भगवान के सामने जो भगवान दामोदर हैं अगर दीपक जलाएंगे, जैसे यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को प्रेम रूपी रस्सी से बांध दिया, ऐसे भगवान भी जो हैं वो भक्तों के अधीन हो जाते हैं उस प्रेम में, किसके कारण, दीप दान करने के कारण। तो कार्तिक महीने में कुछ करो ना करो पर दीप दान जरूर करना, दीप दान करना नहीं भूलना चाहिए। स्कंद पुराण में कथा आती है, एकादश्यम परिदातम दीपम प्रज्वलम मूषिका मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परगतिम अपवापे, यानी एकादशी वाले दिन, बारह महीने में एकादशी आती हैं, हर महीने में दो आती हैं, तो कार्तिक महीने को भी दो, मतलब कार्तिक महीने में भी दो एकादशियां आती हैं। तो कार्तिक की एकादशी को जो है एक बार एक व्यक्ति ने क्या किया, भगवान दामोदर के सामने, भगवान के सामने एक ज्योति जला के रख दिया दीपक। कुछ ही देर में वो ज्योति जो थी वो धीमे धीमे थोड़ी पड़ने लगी, जलते जलते जैसे हो जाती है, तो वहां पे एक मूषिका, एक चूहिया वहां आ गया। उसने सोचा कि खाने के लिए ना मुझे घी मिल गया है। उसने जब उस घी को अपने मुंह में खाने के लिए डाला तो ज्योति तो तेज थी, तो क्या हुआ, वो उसके मुंह में आग लग गई। अब मुंह को बुझाने के लिए उसने क्या किया, पूंछ का इस्तेमाल किया। अब तो पूंछ में भी आग लग गई और वो छटपटा रहा है, कूद रहा है भगवान के सामने, आग बुझाने का प्रयास कर रहा था, चाह रहा था आग बुझ जाए। भगवान ने देखा, अरे वाह, भगवान सोचने लगे, अरे तू चूहे की योनि में होके भी मुझे दीप दान कर रहा है। इसलिए भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी और जो दुर्लभम, जो मनुष्य शरीर जो दुर्लभ है, उस चूहे को मनुष्य शरीर प्राप्त करवा दिया भगवान ने। इतना भगवान दामोदर उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसी जन्म में उसने क्या किया, भगवान दामोदर की भक्ति की और वो शरीर छोड़ के भगवान के धाम वैकुंठ वहां पे पहुंच गया। सोचिए एक चूहिया जो भगवान के सामने एक दीप दान करके खुद को उसने भगवान की सेवा में लगा दिया, तो जो भगवान के भक्त हैं वो जब दीप दान करेंगे तो वो भी भगवान को जरूर अपने प्रेम रूपी पास में बांध लेंगे। श्रीमद् भागवत में भी दीप दान की महिमा है। सत्यभामा जी ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था, कौन सी तपस्या की थी जिससे मुझे, मतलब आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा पूर्व जन्म में तुमने ना कार्तिक महीने में रोज जो है दीप दान करती थी, इसलिए तुम्हें मेरी पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दीपदान की इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में।